हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको यह सवाल एक न एक बार तो आए ही होंगे कि प्रेगनेंसी में क्या खाएं, वो क्या पिएं जिससे हमारा बेबी गोरा हो। अगर आपके भी मन में यह सवाल आए हैं और आप चाहती हैं कि आपका बच्चा स्वस्थ और सुंदर जन्म ले, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, ऐसे तो रंग काला हो या गोरा उसमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, लेकिन आप एक ऐसे बेबी को देखती हैं जो स्वस्थ और गोरा है, तो आपके भी मन में यह सवाल आते हैं कि काश ऐसा ही बच्चा हमारा हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में 4 से 5 ऐसी चीजें बताए गए हैं जिसे आप अपने प्रेगनेंसी डाइट में शामिल करेंगी तो आपका बेबी गोरा और बुद्धिमान जन्म लेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला है कोकोनट यानी कि नारियल। ऐसा माना जाता है कि नारियल खाने से बच्चा गोरा जन्म लेता है। फ्रेंड्स, आप आज से ही नारियल को सीमित मात्रा में खाना शुरू करें। नारियल खाने और नारियल का पानी पीने से बहुत फायदे होते हैं। जैसे इसके पानी से आपके शरीर का हाइड्रोजन लेवल बेहतर होता है और आपको जरूरी इलेक्ट्रोलाइट मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 से 4 महीने तक नारियल पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके शरीर में पल रहे शिशु के नए नए अंगों का निर्माण हो रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान नारियल पानी पीने से गर्भवती महिला में शारीरिक कमजोरी दूर हो जाते हैं और आपका होने वाला बच्चा हेल्दी होने के साथ साथ गोरा भी जन्म लेगा। फ्रेंड्स, अगला सिम्टम्स है दूध। आपको आशंका है कि आपका होने वाला बच्चा काला रंग का हो सकता है, तो आप अपने प्रेगनेंसी डाइट में दूध पीना शुरू कर दें। दूध में अनेक तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं जिसे गर्भ में पल रहे शिशु का विकास सही तरीके से होता है, और सोने से पहले अगर आप 1 गिलास गुनगुना दूध पीती हैं तो आपको रात में नींद भी अच्छी आती है और आपके बेबी को हेल्दी और गोरा बनाता है। अगला सिम्टम्स है केसर वाला दूध। जी हाँ फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग केसर वाले दूध के बारे में सुने होंगे। रोजाना केसर की थोड़ी सी मात्रा को 1 गिलास दूध के साथ उबाल कर पीजिए। ऐसा माना जाता है कि केसर में कुछ विशेष गुण होते हैं जो कि माँ और बच्चे दोनों के रंग को गोरा करने में सक्षम होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ आपको कुछ विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि केसर को अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करना है, क्योंकि केसर गर्म होता है, इसलिए प्रेगनेंसी के 5वें महीने से ही पीना शुरू करें। फ्रेंड्स, केसर की अधिक मात्रा पीने से गर्भपात का खतरा हो सकता है, इसलिए आप 1 गिलास दूध में 3 से 4 रेसे डालकर पिए। तो ध्यान रहे, आप 5वें महीने के बाद से ही केसर वाले दूध का सेवन करेंगे। अगला जो चीज है वो है संतरा। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में ऑरेंज खाना फायदेमंद है, क्योंकि ऑरेंज में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। संतरा में मौजूद पोषक तत्व आपके होने वाले बच्चे का रंग निखारने में मदद तो करता ही है, साथ ही फ्रेंड्स, संतरे में 90% पानी होते हैं जो गर्भवती महिला के शरीर में पानी की कमी को दूर करता है, साथ ही ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। संतरे में फाइबर अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं जो कब्ज की समस्या को दूर करने में मदद करता है। अगला सिम्टम्स है अंडा। फ्रेंड्स, अंडा एक ऐसा आहार है जो लोग बच्चे को गोरा करने के लिए भी खाने का सलाह देते हैं। ऐसा माना जाता है कि दूसरी तिमाही में रोजाना अंडे का सफेद भाग खाने से बच्चा गोरा जन्म लेता है। ऐसा सच है या नहीं, आपको करके ही देखना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा तो सच है कि अंडे से आपको बहुत सारे पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स तो जरूर मिलेंगे, जिससे आपके बच्चे का विकास अच्छे ढंग से होगा और आपका बच्चा स्वस्थ, गोरा और हेल्दी जन्म लेगा।